एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ तो दूसरी तरफ बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गई। बैंकों के बाहर सार्फिन के रश के बायस कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल ना हो सका। मजीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन अली बताएगा कौन करवाएगा इन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहकाम के बाद जो बेशतर कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अपनी ब्रांचेज जो हैं वो बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जो खुली हुई ब्रांचेज हैं, उनमें इस वक्त जो शहरी हैं उनका रश जो है वो नज़र आ रहा है। शहरियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बैंकों के बाहर मौजूद हैं। ताहम बहुत से बैंक्स के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो जो मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी वसूल नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो सार्फीन हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि इस वाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वाजी हिदायत जो है वो जारी की गई थी कि जो सार्फीन हैं उनको किसी किस्म की दुश्वारी जो है वो का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो जहाँ पे जो सार्फीन हैं उनका रश जो है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस है इससे बचाव के लिए वहाँ पे कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो नज़र नहीं आती। इस हवाले से जो मुख्तलिफ बैंक्स की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि स्टाफ बैंकों में जो है वो कम है, जिसकी वजह से कम होने के साथ साथ जो वक्त है, जो मुकर्रर वक्त किया गया है वो भी कम कर दिया गया है। जिसल बैंक्स हैं उन्होंने अपनी ब्रांचेज जो हैं वो बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जो खुली हुई ब्रांचेज हैं, उनमें इस वक्त जो शहरी हैं उनका रश जो है वो नज़र आ रहा है। शहरियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बैंकों के बाहर मौजूद हैं। ताहम बहुत से बैंक्स के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो जो मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी वसूल नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो सार्फीन हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वाजी हिदायत जो है वो जारी की गई थी कि जो सार्फीन हैं उनको किसी किस्म की दुश्वारी जो है वो का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो जहाँ पे जो सार्फीन हैं उनका रश जो है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस है इससे बचाव के लिए वहाँ पे कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो नज़र नहीं आती। इस हवाले से जो मुख्तलिफ बैंक्स की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि स्टाफ बैंकों में जो है वो कम है, जिसकी वजह से कम होने के साथ साथ जो वक्त है, जो मुकर्रर वक्त किया गया है वो भी कम कर दिया गया है। जिसल बैंक्स हैं उन्होंने अपनी ब्रांचेज जो हैं वो बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जो खुली हुई ब्रांचेज हैं, उनमें इस वक्त जो शहरी हैं उनका रश जो है वो नज़र आ रहा है। शहरियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बैंकों के बाहर मौजूद हैं। ताहम बहुत से बैंक्स के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो जो मुख्तलिफ यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी वसूल नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो सार्फीन हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जबकि इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वाजी हिदायत जो है वो जारी की गई थी कि जो सार्फीन हैं उनको किसी किस्म की दुश्वारी जो है वो का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जो जहाँ पे जो सार्फीन हैं उनका रश जो है वो मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस है इससे बचाव के लिए वहाँ पे कोई एहतियाती तदाबीर जो है वो नज़र नहीं आती। इस हवाले से जो मुख्तलिफ बैंक्स की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि स्टाफ बैंकों में जो है वो कम है, जिसकी वजह से कम होने के साथ साथ जो वक्त है, जो मुकर्रर वक्त किया गया है वो भी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो सार्फीन हैं उनको उस तरह से प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उनको उस तरह से सहूलियात फराहम नहीं की जा रही जैसे आम दिनों में की जाती थी। उनका यही कहना था कि जैसे ही ये मसला जो है वो हल होगा कोरोना वायरस का, वैसे ही सार्फीन को दोबारा से जो तमाम तर सहूलियात जो है वो बैंकों में फराहम की जाएंगी। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका।